उत्साहित हैं। देखिए पटना सिटी से अक्रम अली की ये रिपोर्ट। पारंपरिक रूप से लोहे के औजार बनाने का कुटीर उद्योग चलता है। इस उद्योग से जुड़े बलराम कहते हैं कि वे मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन घर बार मुश्किल से चल पाता है। कोरोना काल में पहले ही वे 3 साल पीछे हो गए हैं। अब विश्वकर्मा योजना से उन्हें काफ़ी उम्मीद है। बहुत कोटी कोटी इनको नमन करते हैं। बहुत अच्छा स्कीम लाया है हम सब बिजनेस के लिए और आगे भविष्य के लिए। सरकार सेंटर से हम सब ऐसे मदद करते रहे। संजय विश्वकर्मा लोहारी के पेशे से जुड़े हैं और कहते हैं कि पूंजी के अभाव में बहुत सारे कारीगरों ने काम छोड़ दिया। अब इस योजना के आने से उन्हें बल मिलेगा। बहुत अच्छा है। कारीगर लोग के थ्रू से कारीगर लोग को पैसा अगर मिलेगा तो वो अपना रोजगार करके कुछ न कुछ करेगी। पक्षियों के सुंदर पिंजरे और दरवाजों की ग्रिल बनाने वाले कारीगर परमेश्वर विश्वकर्मा कहते हैं कि ये उनका पारंपरिक रोजगार है लेकिन मुनाफा न होने के कारण नई पीढ़ी अब इसे छोड़कर दूसरे शहरों की ओर पलायन कर रही है। ये योजना शुरू होने से अब पलायन भी रुकेगा और उनका रोजगार भी लाभकारी होगा। प्रधानमंत्री जी महोदय ने इस योजना को निकाला है। बहुत ही सुंदर और गरीब तबके के लिए हस्तकला मरने पर स्थिति में हो गया है जो उन्होंने जीवित करने का एक संकल्प लिया है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में 18 शिल्पों को शामिल किया गया है। ये ऐसे शिल्प हैं जो परंपरागत रूप से रोज़ाना की ज़िंदगी से जुड़े हैं और इनसे लाखों लोगों की रोजी रोटी भी जुड़ी हुई है। नई योजना में इन सभी शिल्पियों का पंजीकरण होगा और उन्हें पहचान पत्र भी दिया जाएगा जिससे अब वे कम ब्याज दर पर ऋण लेकर अपने शिल्प को लाभकारी बना सकें।